टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग में यदि आपने पार्टिसिपेट की, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर आप अभी नहीं किए, आपको नहीं मालूम, तो मैं आपको बता चलूँ। यदि आप जो कि एक TU के थ्रू या फिर कहें कि जो कि पहले UPSW हुआ करता था, जिसका आपने एग्ज़ाम दिया करते थे और उसके थ्रू काउंसलिंग हुआ करते थे, उसका नाम चेंज करके इस बार उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कर दिया गया। ऐसे यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शायद आप CUT UG के कैंडिडेट हों या फिर JEE Mains कैंडिडेट हों या फिर BR कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 तारीख। तो यहाँ पर एक अपडेट और आ चुके हैं यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग OBC NCL सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करें, शायद आपको इसमें ज़रूरत होगी। तो ऐसे में यदि आपने नहीं किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BTEC कैंडिडेट JEE Mains एंड यहाँ पर BR कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिक्लेरेशन की यहाँ पर PDF आपको मिलेगी। तो इस PDF में क्या, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड होता है, मैंने इसको ओपन करता हूँ। तो ऐसे में आप सभी लोगों को जो OBC में आते हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर सूचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे जिन्होंने अभी अपना 1/4/2022 के पूर्व प्रमाण पत्र अपलोड किया था उनको, परंतु कारणवश 1/4/2022 के बाद प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है, समस्त प्रोविजनल तो प्रदान की गई है, तो ऐसे में इनको प्रदान कर दी गई है, ये तो है। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, उनका यहाँ पर, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर में ऐसे ही एक फॉर्मेट अपना बनाया था, ठीक है, नहीं हो रहा था, तो ऐसे में मैंने काफ़ी सारे लोगों को भी शेयर किया था, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे समस्त OBC अभ्यर्थी जिनका 1 अप्रैल 2022 से पहले प्रमाण पत्र है, तो ऐसे में यदि आप प्रमाण पत्र यदि आपने आवेदन किया, शायद अभी तक नहीं बना हो और 1 अप्रैल 2000 पहले का है, तब कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको डाउनलोड करना, देन यहाँ पर आप नाम वगैरह फिल करना, ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर OBC के प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पर फिल करना, यहाँ पर CUET और या फिर JEE Mains जो भी आपने एग्ज़ाम दिया जिसके थ्रू आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो नंबर लिखना, नंबर देन यहाँ से अप्लाई कर देना। ये है आपको इसका स्क्रीनशॉट के लेकर इसके नेम वगैरह प्रिंट आउट करके या फिल कर देना, या फिर ऐसे ही मॉडिफाई कर देना है आपको अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह से, कंप्यूटर वगैरह से नेम, फादर्स नेम एंड आवेदन दिनांक, उसके बाद यहाँ पर ऐसे फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट मिल चुका है। तो अगर आपका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो, OBC भी कुछ भी दिक्कत हो रही हो OBC प्रमाण पत्र में, तो आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी अपडेट आएगा तो मेरे चैनल मिलेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।